नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। आजमगढ़ जिले से सपा के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव की बहू व सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव की भाभी का सोमवार की रात लखनऊ में निधन हो गया। आपको बता दें कि ब्रेन हेमरेज होने के चलते उनका निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलने के बाद से क्षेत्रवासियों में शोक की लहर दौड़ गई है। दूसरे दिन मंगलवार की सुबह लखनऊ से शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का घर पर तांता लगा हुआ है। सपा नेता पूर्व मंत्री बलराम यादव के दूसरे पुत्र विद्यासागर यादव उर्फ गंगा यादव की पत्नी सुमन यादव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर तैनात थी। उनका बीमारी के चलते निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके चलते परिवार के लोगों ने उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन सोमवार की रात ब्रेन हेमरेज होने से उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद से क्षेत्रवासियों में शोक की लहर दौड़ गई है और लगातार उनके घर पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।